प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अगले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है ताकि देश पर वैश्विक परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। आज भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और यह शोध का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में उनकी सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के कारण बैंकिंग क्षेत्र का लाभ की स्थिति में नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरबीआई ने बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10 साल पहले डबल डिजिट की महंगाई से निपटने का रिफ्लेक्शन तब की फाइनेंशियल पॉलिसीज में नहीं दिखता था। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस मैंडेट पर बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया। साथ ही साथ सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता।